ऐसी कोई बात नहीं कि मैं एक छात्र मुस्लिम जा रहा हूँ, ये सब आधे आधे बढ़ रहे हैं, हमारी तरफ ज्यादातर आ रहे हैं। लोगों ने नहीं कहा है, मीडिया कह रहा है, मीडिया केवल प्रचार कर रही है। बसपा नंबर एक पर है जिले में, वोट छिटक कर भाजपा के पास है, ऐसा है क्या? हमारा एकजुट है। कैडर का वोट 1,20,000 कैडर का वोट है एससी का, और 54,000 कुर्मी बिरादरी का। बीएसपी में एकदम जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं को या जमीन से जुड़े लोगों को पद दिया जाता है, ये एक बहुत अच्छी पहल है, एक बहुत अच्छी चीज है बीएसपी में। तो समर्थन की बात भी आएगी, आपके सामने भाजपा है, आपके सामने सपा है, आपके सामने कांग्रेस है, आपके सामने आम आदमी पार्टी है, तो फिर समर्थन फिर किसका होगा? जो हमारी पार्टी के विचारों से मिलती होगी पार्टी, उसको हम लोग समर्थन करेंगे। किनारे आइए, ब्रजकिशोर वर्मा जी, पहचान नहीं पाए आप हमको? अरे आपको लाइट में से कब पहचान पाए? कोई बात नहीं, आपको शुभकामनाएं। पहले तो आइए, नमस्कार। इस वक्त मैं उन्नाव में हूँ। 2017 में यहाँ पे 5 विधानसभा सीटें भाजपा के पास थी, 1 बसपा के पास थी। इस वक्त उन्नाव की गली गली घूम रही हूँ, हर एक विधानसभा सीट देख रही हूँ कि माहौल क्या है। तो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये बसपा बहुजन समाज पार्टी की यहाँ पर एक छोटी सी रैली समझ लीजिए, या ये लोग जनसंपर्क के लिए ये लोग जा रहे थे, लोगों के बीच डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे। तो मेरी नज़र पड़ गई, तो मैंने सोचा कि पूछ लेते हैं कि इस बार क्या माहौल है और आप लोगों के क्या मुद्दे हैं। नमस्कार। नमस्कार। आप वर्मा जी, इस बार का क्या लग रहा है? देखिए, 2017 में बीजेपी की प्रचंड लहर के बावजूद 2017 में पुरवा वाली सीट उन्नाव की बसपा के खाते में चली गई थी। यहाँ भी सेकंड रहे थे, यहाँ भी सेकंड नंबर पे रही थी, यहाँ भी सेकंड नंबर की पार्टी पर थे जी। तो अब क्या लग रहा है कि यहाँ पर तो कह रहे हैं कि सपा और बीजेपी की टक्कर है? कोई नहीं, कहीं नहीं, बसपा से लड़ रहे हैं सारी, जो भी लड़ रहा बसपा से लड़ रहा, और कोई लड़ाई में नहीं। आपका नाम क्या है? सुशील कुमार। सुशील कुमार जी, आपके हिसाब से बीएसपी इस बार किस नंबर पे रहने वाली है? हमारे यहाँ हमारे नंबर एक। विजय शंकर जी, पार्टी से जुड़े हो या आम आदमी हो? नहीं, पार्टी से जुड़े हैं। पार्टी से जुड़े हो? हाँ। क्या बोल रहे हैं? पदाधिकारी हैं, पदाधिकारी प्रधान भी रह चुके हैं, पूर्व प्रधान भी रह चुके हैं। आप इनकी सिंप्लिसिटी देख लीजिए, थोड़ा सामने ऐसे आ जाइए, आप इनकी सिंप्लिसिटी देख लीजिए, एकदम सीधे सरल व्यक्ति, गाँव के किसान है और प्रधान भी रह चुके हैं और पदाधिकारी भी हैं। तो आप, आपका नाम क्या बताया? विजय शंकर। विजय शंकर जी, आपके हिसाब से सपा को और बीजेपी को कहाँ देख रहे हैं आप? वो सपा जो है थर्ड नंबर पर है, बीजेपी सेकंड नंबर पर है। और आप पहले कैडर का वोट 1,20,000 कैडर का वोट है एससी का, और 54,000 कुर्मी बिरादरी का। हम ऐसे जीत रहे हैं, दहाड़ के जीत रहे हैं। यहाँ पर 24,000 यादव है, 12,000 मुस्लिम है, वो किसी लड़ाई में नहीं सपा। भयंकर वोटों से लग रहा है कि यादव बसपा के साथ जाएंगे। बसपा के यादव भी आ रहे हैं, अन्य मैकोट भी आ रहा है, और मुस्लिम एक साथ, एक छत्र क्या बसपा के साथ आएगा? नहीं आ रहा, ऐसी कोई बात नहीं कि मैं एक छत्र मुस्लिम जा रहा हूँ। ये सब आधे आधे बढ़ रहे हैं, हमारी तरफ ज्यादातर आ रहे हैं। पहले तो सपा के साथ थे, मगर अब ये हमारी बसपा जोर बढ़त पर है, इसीलिए वो सब हमारी तरफ आ रहे हैं। मुस्लिम बसपा के साथ बेहतर है, प्रत्याशी सबसे बेहतर देखा उन्होंने, तब वो हमारे साथ आ रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है। लोगों ने कहा कि 5 साल बीएसपी बिल्कुल एकदम कुछ नहीं कर पाई। लोगों ने नहीं कहा, मीडिया केवल प्रचार कर रही है। बसपा नंबर एक पर है जिले में, मीडिया को खरीदा हुआ है लोगों ने, चाहे सपा हो चाहे भाजपा ने खरीदा है। कोई बात नहीं, दूसरों की बात कर रहे हैं। मीडिया 2007 में कह रही थी 45 सीटें आएंगे, 2007 में कह रही थी 45 सीट आई, बहुजन समाज पार्टी 206 सीट लेके आ रही, आज भी मीडिया उन्हीं के तरफ कह रही। गरीब की कोई बात करता है? बहन जी की कोई बात करता है? कभी भी मीडिया बात नहीं करती है, चाहे जो भी चैनल हो। अच्छा, कई लोगों ने ये भी, मतलब कई सारे सर्वेज में ये भी देखा गया कि मायावती जी का जो कोर वोटर था, वो छिटक कर अनाज राशन और बीजेपी की तमाम अच्छी योजनाओं की वजह से भाजपा में चला गया। कहीं नहीं गया, एक भी नहीं गया, कहीं नहीं गया। गरीब होने की वजह से अपनी बात कह नहीं पाता। किसान का राशन चला रहे हैं, 5 किलो दे रहे हैं और 5 क्विंटल चलवा रहे हैं जानवरों से। दादा नमस्ते। नमस्ते। तुम्हारे गले में पट्टा नहीं, मतलब कोई ऐसी पटका नहीं है? नहीं, तो हम तुम पार्टी के हो क्या? आम आदमी? नहीं, हम पार्टी के हैं। पार्टी के हैं। दिखा दे सी बात। अरे वाह वाह, क्या बात है। अच्छा, आम आदमी कोई है कि सब पार्टी के? मैं पार्टी का करता हूँ।
पार्टी कार्यकर्ता जब से पार्टी बनी तब से मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। कितना साल हो गया? रुक जाइए, कितना साल हो गया? अरे ये करीब हो गए 30 साल। 30 साल हो गए। देखिए बीएसपी पार्टी में एक ये बहुत खासियत है कि आप पहचान ही नहीं पाओगे कि आम आदमी किसान कौन है और पदाधिकारी कौन है और पार्टी में बड़ा कद्दावर नेता कौन है, क्योंकि सब बहुत सिंपल रहते हैं। और बीएसपी में एकदम जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं को या जमीन से जुड़े लोगों को पद दिया जाता है। ये एक बहुत अच्छी पहल है, एक बहुत अच्छी चीज है बीएसपी में। लेकिन आप क्यों, मतलब इस बार आप क्यों मायावती जी के साथ हो? क्योंकि लोग तो कह रहे हैं कि भाजपा की अच्छी जो योजना है, जैसे राशन का हो गया, सिलेंडर का हो गया, उसकी वजह से मायावती जी का वोट भाजपा में चला गया। नीतियां हैं, बहन जी की जो नीतियां हैं हर पार्टी से अलग है। उनका मतलब है कि हमारा जो निचले तबके का आदमी है, गरीब है, उसको हम आगे बढ़ाए, बराबरी पर लाए, ये उनका मकसद है। बिल्कुल नहीं, ठीक बात है। लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं कि वोट छिटक कर भाजपा के पास है, ऐसा है? वोट हमारा एकजुट है, वोट हमारा एकजुट है, हम पूरी ताकत के साथ जो है। आपका नाम क्या है? अशोक कुमार गौतम। अशोक कुमार गौतम जी, आपके हिसाब से इस बार का क्या माहौल लग रहा है? इस बार पूर्ण बहुमत से बहन जी की सरकार बनने जा रही है। पूर्ण बहुमत से? पूर्ण बहुमत से। ये तो आप मतलब बिल्कुल बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है श्रीमान जी, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जमीन पे लगे हुए हैं, दमखम से लगे हैं। युवा भाई बेरोजगार घूम रहा है, बहुत आक्रोशित है। आज किसान भाई बहुत आक्रोशित है, खेतों में पड़े जंगलों में ठंड खा रहा है, मर जाता, कोई देखने नहीं आता, किसान को कोई पूछता नहीं है, उसका कोई भाव नहीं रह गया है, महंगाई आज चरम पे पहुंच चुकी है। पूर्ण बहुमत वाली बात तो ज्यादा लंबी कर दी, उतनी सीटें नहीं है, मुश्किल होगा, लेकिन समर्थन, लेकिन फिर भी समर्थन की जब बात आती है, जब बात समर्थन की आती, क्या बोल रहे हैं? सरकार बदलना है, क्योंकि यहाँ गुंडागर्दी हो रही है और हमारे उन्नाव जिले में कई एक हत्याएं हुई हैं, बलात्कार हुए। अभी देखिए दलित बेटी की हत्या हुई है, वो भी सपा सरकार में पूर्व मंत्री रहे, उनके लड़के ने जो है दलित बेटी की हत्या की और उसका उसको संरक्षण भाजपा सरकार के नेताओं ने दिया है, तभी वो जो है इतने दिनों तक बचता रहा है। और यहाँ तमाम बलात्कार हुए हैं जो कि नेताओं ने किए हैं। समर्थन की बात भी आएगी, अगर मानिए कोई भी पार्टी फला पार्टी की जीत होती है तो समर्थन की बात भी आएगी। आपके सामने भाजपा है, आपके सामने सपा है, आपके सामने कांग्रेस है, आपके सामने आम आदमी पार्टी है, तो फिर समर्थन फिर किसका होगा? जो हमारी पार्टी के विचारों से मिलती होगी पार्टी, उसको हम लोग समर्थन करेंगे, उस पार्टी को समर्थन करेंगे, हम लोग उस पार्टी के साथ समर्थन करके सरकार बनाएंगे। ब्रजकिशोर वर्मा जी, आप बताइए, इस बात का जवाब मैं आपसे लेना चाहती हूँ। आप प्रत्याशी हैं, आपकी कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी है, तो आपको क्या लगता है कि जब बात समर्थन की आएगी? देखिए पूर्ण बहुमत की बात तो नहीं कही जा सकती, बहुत मुश्किल है। हम तो पूर्ण बहुमत की बात करेंगे, ये लिए पूर्ण विश्वास है। मैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का लड़का हूँ। कैसे पूर्ण बहुमत की सरकार आ सकती है, मुझे ये बताइए। ये जो दबा कुचला आदमी पड़ा है, दबा है, केवल इसलिए नहीं बोल रहा, वोट के दिन उसको आप देख लेना मैडम कि 100% ये बीएसपी को वोट करेगा। ये ले दोनों सरकारें देख चुका है, इसलिए उसको कहीं पर भरोसा नहीं है।